मैं कामता पटेल सराईपाली विधानसभा अभी वर्तमान में दायित्व प्रदेश भाजपा मंत्री हूँ, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। सर आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है? भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, कितनी संभावना दिखाई दे रही है आपको? आप पिछले कई दिनों से शायद इस क्षेत्र में घूम रहे होंगे और ये क्षेत्र बिल्कुल भाजपामय है। उसके कारण है, एक तो हमारे प्रत्याशी स्थानीय हैं, क्षेत्र की बेटी भी हैं और क्षेत्र की बहू भी हैं, और साथ में जो मोदी जी का जो मैजिक है, आज जो मोदी जी का जो गारंटी है, पूरे क्षेत्र में एक लहर दौड़ रही है और पर्याप्त बहुमत से यहाँ से रूप कुमारी जी विजयी होंगी। जी क्या कुछ मुद्दे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या हिंदुत्व मुद्दा है इस बार का? बिल्कुल है। जो 500 साल से जिस कांग्रेस शासन में, जिन्होंने 500 साल तक हमारे आराध्य देव श्री राम जी को अपने गृह गांव में या गृह शहर में बोलना चाहिए, वहाँ टेंट में रखा था उन्होंने, और जो हलफनामा दिए थे कोर्ट में यही कांग्रेसियों द्वारा कि श्री राम जी का कोई वजूद नहीं है, आज जो हमारे मोदी जी ने पूरे सनातन धर्म का एक गौरवशाली क्षण प्रदान किया है कि आज उन्होंने श्री राम जी को उनका अयोध्या जी में उनका आज प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में योगदान दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो है कांग्रेस है महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रही है, क्या लगता है आपको इस पे कुछ बीजेपी की सीटों में कमी आती नजर दिखती है? बिल्कुल नहीं, ये जुमलेबाजी है उनका। प्रति महिला 1 लाख रुपए देने की बात कह रहे हो, जबकि पूरे भारत में 140 करोड़ में लगभग 65 करोड़ महिलाएं हैं। 65 करोड़ महिलाएं में यदि 65 करोड़ एक महिला को एक साल में देना पड़ा तो पूरा भारत का जो बजट है उसमें खप जाएगा, तो क्या अन्य काम नहीं करेंगे क्या वो? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है उनका, और गांव के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये चुनाव तो जीतेंगे नहीं, ये ऐसी बात है जिनको ज़मीन खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है और ज़मीन का रेट बढ़ा देते हैं, उस टाइप की इनकी घोषणाएं हैं। जैसे कल मैंने राहुल गांधी जी का एक बयान सुना था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 सीटों पर सिमट जाएगी, क्या लगता है आपको? अब उनकी बात तो अपने क्या बोलते हैं, कहावत है कि खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे, वो तो सत्ता से दूर रहेंगे ही तो उठपुटांग बोलेंगे ही, भरमाएंगे ही लोगों को। कांग्रेस को कितनी सीट मिलने की संभावना है इस बार? कांग्रेस तो पूरे सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है। जो कांग्रेस 200 से कम सीटों से चुनाव लड़ रही है, और जबकि बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए होती है, तो आप समझ सकते हो तो ऐसे ही स्पष्ट बहुमत पाने ही नहीं लायक है उनके पास, तो उसकी और संख्या को क्या गिने, क्यों समय खराब करें।